मिस संध्या आप ही का नाम है? जी हाँ। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है। कैसा वारंट? काहे का वारंट? यह आप क्या कह रहे हैं? जरूर आपको कोई धोखा हुआ माँ? है। माँ तुम अंदर जाओ, वो मुझसे बात कर रहे हैं। तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए बीच में आ रही हूँ। अंदर जाओ। माँ, इंस्पेक्टर साहब, जरूर किसी दुश्मन ने आपके कान भर दिए हैं। आप कुछ बताइए तो, मेरी बेटी का दोष क्या है? आखिर इसने कौन सा जुर्म किया है? मिस्टर रणबीर की लाज से चोरी किया हुआ इंजन इनकी कश्ती से बरामद हुआ है। और दूसरा जुर्म ये है कि जब मिस्टर रणबीर ने अपना चोरी किया हुआ इंजन इनकी कश्ती से हासिल करने की कोशिश की तो इनके आदमियों ने उनके आदमियों पर कातिलाना हमला कर दिया और उनकी लाखों रुपए की लाज को पहाड़ी से टकरा कर खत्म कर दिया। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। दुश्मनों ने मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। आप मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकते। माँ माँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। चलो अंदर चलो, मैं सब संभालूंगी, तो फिक्र मत करो। चलो माँ, चलो अंदर, तुम आराम करो प्लीज। संध्या जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। हेलो इंस्पेक्टर मास्टर, तुम्हारा मुजरिम इधर है। ये हथकड़ी अपुन का हाथ में होना चाहिए। कौन हो तुम? अपुन का नाम राज है। ओ हाँ, वही राज जिसे संध्या जी ने अपना लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है। अपुन के सिवा और कौन माइकल लाल है जो रणवीर सेठ का इंजन उड़ा करके दूसरे लॉन्च में फिट कर सके। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर, गुड जॉब। लेकिन इनका दूसरा साथी नहीं मिला। अगर एक हाथ लग जाए तो दूसरे का मिलना कोई मुश्किल नहीं होता मिस्टर रणवीर। वी विल गेट हिम। गुड मैडम, नमस्ते। मिस्टर रणवीर, आई एम वेरी सॉरी, यू मस्ट हेल्प मी, यू मस्ट। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग इतने नीच हैं कि मुझे हथकड़ी लगवा देंगे। मैं औरत सीधी सादी इनकी बातों में आ गई। मैं समझी थी ये शरीफ आदमी है, 150 रुपए कमा कर ले आएंगे, हम लोगों की रोटी चलेगी। लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज हेल्प मी। इट्स ऑलराइट इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम तो आपको मिल गया है, इन्हें छोड़ दीजिए। चलो। बाप रे, ये तो पकड़ा गया। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऐन मौके पर आकर आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। समझ में नहीं आता इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। एहसान मन तो मुझे होना चाहिए था आपका, कि आप जैसा दोस्त मिल गया मुझे। कभी भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लीजिए, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। बाय। थैंक यू। रामन छोकरी सरदार बनकर तेरी आंखों में मिट्टी डाल गई और वो बुद्धू राज इसके इश्क में अंदर हो गया। थैंक यू होली मदर, थैंक यू। अपन को मालूम था तुम जरूर उसको वापस भेजोगी। कौन है जेनी? मास्टर, ओ मास्टर। ओ राम माय एंजल, तुम किधर चला गया था? हम हर दिन हर रात तुम्हारे आने का प्रेयर कर रहा था। अपन एक बहुत जरूरी काम से आया है इधर मास्टर, और वो काम तुमको करना होगा। अरे तुम बैठो भी। एंजल, तुमको हमारा लाइफ भी मांगता है तो हम फट करके निकाल देगा। अरे तुम्हारा लाइफ लेकर अपन क्या करेगा? अपन को तो 10,000 रोकड़ा मांगता है। हाँ, वो अपना दोस्त है ना साला राजू, गोवा में जेल हो गया उसको, जमानत भरने का उसकी। अरे तुम्हारा काम 100% हो जाएगा, तुम खातरी रखो। तुमको मालूम है हमारा जेनिफर बड़ा नाम वाला डांसर हो गया, अच्छा पैसा जमा किया उसने। अपन को तुम्हारी उस हलकट छोकरी का थोबड़ा भी देखने का नहीं। तुम इतना जल्दी गर्मी काहे को खाता है? हम जेनी से बात करता है, हम पैसा ला के देता है, तुम्हारा कोई दखल नहीं। तो फिर काहे को टाइम खोटा करता है बाबा, जा बात करो ना। अभी जाता है। जेनी, जेनी। बोल पापा। अरे देखो अपना एंजल राम आया है। हेलो एंजल, वेलकम होम। कुछ तबीयत पानी बरोबर नहीं लग रहा है एंजल का? अरे नहीं, वो एकदम लफड़े में आ गया, उसको 10,000 रुपया मांगता है। जेनिफर ने सब सुना, लेकिन पापा तेरे को तो मालूम है अपन रोकड़ा घर पे नहीं रखते हैं, मेरे को बैंक जाकर लाना पड़ेगा। हाँ। एंजल, तेरे को पैसा आज के आज मांगता है? अपने बाप से बात कर। अरे हाँ हाँ, अभी के अभी मांगता है उसको। मैं अभी के अभी लाई हूँ। बराबर गिनती करके लाना 10,000। 5, 6, 7, 8, 9, 10। उधर से तो गिनती करके लाई पापा, पन तेरे सामने भी गिनती कर ली, पूरे 10 हैं। मास्टर, इसे बोल दो कि इसकी पाई पाई सूद समेत चुका दूंगा। अरे ठीक है ठीक है, पहले अपनी जरूरत तो पूरी कर ले। इतनी जल्दी मत मचा एंजल, अभी एक जरा सी अड़चन है, वो हटानी पड़ेगी। अड़चन? हाँ पापा, तेरे को तो मालूम है
अपन ने दिन रात नाच नाच कर ये पैसा अपनी मैरिज बनाने को जोड़ा है। बरोबर, तुम्हारी छोकरी के क्या कान के पर्दे फट गए हैं? सुना नहीं इसने? मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, उधार मांग रहा हूँ और एक के दो दूंगा। पन समझो कोई घोटाला हो गया तो? अरे तू काय को आड़ीबाजी की बात करती है रे? इसके पास कोई बंगला कोठी है क्या जो तेरे को गारंटी देगा? तो अपन एक ऐसा आइडिया क्यों ना लड़ाए कि मेरे और इसके बीच का सारा उधार गारंटी का लफड़ाई खलास हो जाए। मतलब? मैं इसको सारा पैसा बिना सूद बिना गारंटी के दे देती हूँ। वेरी गुड, और ये क्या करे? ये अपन के साथ मैरिज बना ले, इधर इसका काम उधर मेरा काम। एंजल, हम हमारा गॉड का कसम खा के तुमको बोलता, हम तुम्हारा पैसा देगा। हाँ, तुम खाने को ठोकर मत मारो। एंजल, हम तुम्हारा पांव छूता तुम थोड़ा चिकन खा लो। ठीक है। एंजल, एंजल, चलो उठ। चल किधर? अपन को भगा के ले जाने का थोड़ी बात था, अपन के साथ शादी बनाने के बाद था मैरिज बनाने का। अब तू शादी बना या मेरा कीमा बना, अपन उस साले राजू के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने को जमानत के लिए रुपया चाहिए और जल्दी चाहिए। हाँ, तो फिर अपन भी अर्जेंट में अर्जेंट मैरिज बना डालते हैं सवेरे सवेरे। पास मारता है। बड़ा ब्रदर, आज का दिन मूड बिल्कुल फर्स्ट क्लास रखने का, नहीं तो उधर बड़ा वांदा हो जाएगा। ठीक कहता है ये ना मास्टर। चुप है, मास्टर का बच्चा। अबे छोड़ ये झंझट, चलो कहाँ चलना मरने के लिए। यहाँ चलो। साले कसाई। हेलो मिस्टर राम। सीआईडी गोवा से वारंट लाए हो मेरे? जी नहीं, मेरा नाम बिजलानी है। मैं कई दिन से आपकी तलाश में फिर रहा हूँ। ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आज आपकी शादी। तुम अपना लफड़ा बोलो। जरा प्राइवेट बात। आइए अंदर। थैंक यू। बोलो सेठ। मैं इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्टर हूँ मिस्टर राम। हमारी कंपनी पे सम्राट जहाज के मालिक ने 1 करोड़ का क्लेम डाला है। हाँ, लेकिन हमारी कंपनी को शक है कि सम्राट के डूबने के पीछे एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी? ओ साजिश। ओ साजिश। हम सम्राट का पता लगाना चाहते हैं ताकि पूरी इंक्वायरी हो सके। इसके लिए हम आपको मुंह मांगी रकम दें। अब निकल लो सेठ। हाँ, चलिए। अरे बड़ा ब्रदर, किधर को जाता? जलानी सेठ जरा पकड़ो, छोटा ब्रदर को जरा एड्रेस दे दूं। हाँ, आइए आइए आइए, आप भी आइए आइए। शाबाश। अरे मैन, कितना टाइम हो गया, तेरा दूल्हा किधर को है? मेरे को तो कुछ गड़बड़ दिखता है। लो आ गया। ये क्या? यही जो तुम देख रही हो, हमने बहुत ट्राई किया, देखो ना कितना फाइट किया, फिर भी साला भाग गया। भाग गया? हाँ। किधर को? और तो मेरे को कुछ नहीं मालूम, पर उसे एक आदमी मिलने को जरूर आया था, वो उसे गोवा जाने के लिए बोल रहा था। मैंने कहा था ना कोई लफड़ा है, वही निकला। जैनी, अब ये सूट मैं पहन लो। ओ शट अप, ये सूट मेरे को दो। उसने अपन का इतना इंसल्ट किया है, हम उसे छोड़ेगा नहीं। इसी सूट का हम उसको कफन नहीं पहनाया तो हमारा नाम जरीफन नहीं। ये है बजूक, समुन्द्र के इस हिस्से में बहुत खतरनाक समुद्री जानवर है शार्क्स। ओ शार्क। इसको फायर करोगे तो पानी के नीचे बम फूटेगा, कोई भी जानवर मर जाएगा। और अगर ये भारी लगे तुम ये हार्पून ले जाना, तीर की तरह ये काम करता है, कोई भी जानवर मर सकता है। अपना अजूका बजूका तो ऊपर वाले के हाथ में है, रहे समुद्री जानवर, उनके साथ हम बचपन से कबड्डी खेलते आ रहे हैं। हाँ, फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। That's it. Good luck, Ram.